Good morning, students. Myself Patel Bina. आज मैं आपको स्टैंडर्ड 8 का हिंदी पढ़ाने वाली हूँ. हमारा पांचवा लेसन है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया. पाठ हम आगे पढ़ चुके हैं. आज हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं. तो पहले हम शब्दार्थ लिखेंगे. अजीबोगरीब, विचित्र, उपयोगिता, लाभदायी होने का गुण. संचार, संदेशों का आदान प्रदान. सिलसिला, क्रम, विवाद, झगड़े. जड़, कारण. संदेह, शक, दायरा, सीमा, तलाश, खोजते, अनूठी, बेजोड़, भूमिका, योगदान, ठिकाना, पता, अहमियत, महत्व, हरकारी, पैदल चलकर संदेश पहुंचाने वाले. शताब्दी, 100 साल का समय. प्रयास, कोशिश, आयु वर्ग, उम्र वाले, व्यापारिक, व्यापार संबंधी, गहराई, मिसाल,
उदाहरण पुरखे, पूर्वज, दिग्गज, मशहूर, फ्रेम, चौकठा, मुस्तैद, सतर्क, प्रेरक, प्रेरणा देने वाले, मनोदशा, हालात, खास, विशेष, बरकरार, बने रहना, आलीशान, शानदार, ढाणियों, अस्थाई निवास स्थान, देवदूत, ईश्वर का संदेश लाने वाला फरिश्ता, मनी ऑर्डर, डाक विभाग द्वारा भेजा गया धन, विद्यार्थी मित्रों अब हम प्रश्न अभ्यास की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो इसका उत्तर, पत्रों का आकार बड़ा तथा उनका अस्तित्व स्थायी होता है। जिन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। दूसरा, पत्रों में
आत्मीयता, प्रेम तथा गहरा लगाव होता है। थर्ड, पत्रों को संग्रहित करके पुस्तक का आकार दिया जा सकता है। जबकि SMS को नहीं। फोर, पत्र संदेश भेजने का सस्ता साधन है। जबकि SMS महंगा साधन है। पत्र पाने वाले के पास कोई साधन होना आवश्यक नहीं है। पर SMS पाने वाले के पास मोबाइल फोन होना आवश्यक है। सेकेंड क्वेश्चन, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जांबू, लेख, कड़ीद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पत्र का नाम और उसकी भाषा। पत्र, चिट्ठी संस्कृत भाषा, कागद कन्नड़ में कहा जाता है, खत उर्दू में,
उत्तरम, जांबू, लेख, वो शब्द तेलुगु में कहा जाता है। कड़िद में तमिल भाषा में कहा जाता है। पाती पद्य में प्रयोग होने वाला शब्द है। अब हम क्वेश्चन 4 लिखेंगे, सॉरी 3 लिखेंगे। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए लिखिए। तो इसका उत्तर है पत्र लेखन की कला का विकास हो इसके लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को विषय के रूप में शामिल किया गया। भारत के अलावा अन्य देशों तथा विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया। यहाँ हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। क्वेश्चन 4, पत्र धरोहर हो सकते है लेकिन
SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र लिखित रूप में होते हैं, इन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। उपयोगी एवं शिक्षाप्रद पत्रों को पुस्तक के रूप में रखा जा सकता है। महान हस्तियों के पत्र संग्रहालयों एवं पुस्तकालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। SMS संक्षिप्त SMS संक्षिप्त तथा मोबाइल फोन पर होते हैं, इन्हें सहेज कर भविष्य के लिए रखना असंभव नहीं है। यहाँ हमारा क्वेश्चन 4 फिनिश होता है। क्वेश्चन 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स ईमेल टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, संचार के बढ़ते साधनों फैक्स ईमेल टेलीफोन तथा मोबाइल आदि का प्रचार प्रसार तथा लोकप्रियता
बढ़ती जा रही है। लोग अपनी सुविधा अनुसार उनका प्रयोग भी करते हैं और इनसे पत्रों की संख्या में कमी आई है, पर ये साधन पत्र का स्थान कभी भी नहीं ले सकते। व्यापारिक तथा विभागीय कार्यों को पत्रों के माध्यम से किया जाता है और किया जाता रहेगा। इसके अलावा पत्रों से जो आत्मीयता, प्रेम तथा लगाव मिल जाता है, वह संचार के इन साधनों द्वारा नहीं मिल सकता। पाठ से आगे पहला प्रश्न, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, संभवत पत्र गंतव्य तक पहुंचे ही न। दूसरा हो सकता है, प्राप्तकर्ता को निश्चित टिकट के मूल्य का दुगुना दाम चुकाना
पढ़ सकता है। थर्ड हो सकता है प्राप्तकर्ता के पास उस समय पैसे न होने पर अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पत्र के लिए उचित राशि न दिए जाने पर पत्र वापस इस समय पैसे न होने पर अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पत्र के लिए उचित राशि न दिए जाने पर पत्र वापस आ सकता है। अब हम क्वेश्चन टू लिखेंगे। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? इसका उत्तर लिखेंगे, सुनने में संक्षिप्त सा लगने वाला पिन कोड शब्द का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर है। यह 6 अंकों का होता है। इसका हर अंक अपने में कुछ न कुछ छिपाए हुए है। इसका पहला अंक राज्य को, अगले 2 अंक उपक्षेत्र को तथा अंतिम 3 अंक संबंधित डाकघर को सूचित करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पिन कोड संख्याओं के रूप में लिखा गया एक पता ही होता है।